पहले से अमेट राया बने मसीह के स्वरूप, पहले से अमेट राया बने मसीह के स्वरूप। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद करेंगे धन्यवाद करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ओरा महान रका चंगाई दाता रुशता लगा एगो बार अपा तेरी रहनु माई करके महिमा में स्वीकार करेगा, मेरी रहनु माई करके महिमा में स्वीकार करेगा, मेरी रहनु माई करके महिमा में स्वीकार करेगा, स्वर्ग में तेरे सिवा कौन है मेरा, धरती पर कोई चाहे नहीं, स्वर्ग में तेरे सिवा कौन है मेरा, धरती पर कोई चाहत नहीं, मेरी रगनु माई करके महिमा में स्वीकार करेगा, मेरी रगनु माई करके महिमा में स्वीकार करेगा, दिल में तादर मन में पीड़ा ताबे अकल में सामने तेरे, दिल में तादर मन में पीड़ा ताबे अकल में सामने तेरे, तू भी मैं तेरे संगीता तूने मेरे हाथ को पकड़े रखा, तू भी मैं तेरे संगीता तूने मेरे हाथ को पकड़े रखा, मेरी रहनु माई करके महिमा में स्वीकार करेगा, मेरी रहनु माई करके महिमा में स्वीकार करेगा, पैर मेरे फिसलने पर ते दुष्ट के कामों को देखते हुए, पैर मेरे फिसलने पर ते दुष्ट के कामों को देखते हुए, लेकिन तेरे लोगों के लिए तू बला रहेगा सदा, लेकिन तेरे लोगों के लिए तू बला रहेगा सदा, मेरी रगनु माई करके महिमा में स्वीकार करेगा, मेरी रगनु माई करके महिमा में स्वीकार करेगा, आता रहूं मैं तेरे नजदीक बाला है मेरे लिए, आता रहूं मैं तेरे नजदीक यही बाला है मेरे लिए, तेरे सब कामों को वर्णन करो तू बना है शरण स्थान, तेरे सब कामों को वर्णन करो महिमा में स्वीकार करेगा, मेरी रहनु माई करके महिमा में स्वीकार करेगा। रात के समय में जब नींद खुल गया था, मेरे मन कुछ बातों से चिंतित हो रहा था,
पवित्र आत्मा ने ये गीत का ये स्टांसा मेरे मन में लाया, आता रहूं मैं तेरे नजदीक, यही बड़ा है मेरे लिए, मेरे को कुछ करना नहीं है। दिल मेरा दर्द मन में पीड़ा, तो मैं बेकल सामने तेरे, लेकिन तेरे लोगों के लिए बड़ा रहेगा। तू बना शरण स्थान, आता रहूं तेरे नजदीक, कुछ भी परिस्थिति आपकी गोद में रहूंगा, आपके छाती पर रहूंगा, आपके नजदीक ही रहूंगा। आप मेरे से नाराज होते हो तो भी मैं आपके पास ही रहूंगा। आपका नाराज क्षण भर का है, तेरी करुणा अनंत काल का है। हालेलुया। तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा दृढ़गढ़ है, तू मेरा 739 लाएगा, काम कर संभालेगा, तू ही चलाएगा, काम कर संभालेगा। मेरा शरण स्थान है तू, मेरा दृढ़गढ़ है तू, मेरा शरण स्थान है तू, मेरा दृढ़गढ़ है। आंधी आए आए तूफान, साथ तू मेरे क्यों मैं डरूं। आंधी आए आए तूफान, साथ तू मेरे क्यों मैं डरूं। काम गात मेरा पार कराएगा, काम गात मेरा पार कराएगा। दृढ़गढ़ है तू, मेरा शरण स्थान है तू, मेरा दृढ़गढ़ है। आए सामने लोग हजारों, गिर ले मुझको एक बड़ी सेना। आए सामने लोग हजारों, गिर ले मुझको एक बड़ी सेना। तेरे अनुग्रह से पाऊंगा मैं जय, तेरे अनुग्रह से पाऊंगा मैं जय। शरण स्थान है तू, मेरा दृढ़गढ़ है तू, मेरा शरण स्थान है तू, मेरा दृढ़गढ़ है। निरुपाई हो गया जाऊं कहां मैं, रह दिखाया आगे बढ़ाया, निरुपाय हो गया जब काम, रह दिखाया आगे बढ़ाया। जंगल हो सागर हो,
तूने बनाया है मां, जंगलों सागर हो तूने बनाया है मां, तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा दृढ़ गढ़ है, तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा दृढ़ गढ़ है। लोगों की बातों से घायल हुआ दिन, शत्रु बना का दोस्त भी मेरा, लोगों के बातों से शत्रु बना का दोस्त भी मेरा, तू ही चंगा करेगा, देगा तसली मुझे, तू ही चंगा करेगा, देगा तसली मुझे, मेरा शरण स्थान है, तू मेरा दृढ़ गढ़ है, तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा दृढ़ गढ़ है। धन्यवाद, तू मेरा शरण स्थान है, तू बला है, तू बला है, हालेलुया, ओ हालेलुया। आवाज से तसली दो तुम मेरे
बताओ ऊंची आवाज में उनके गुलामी के दिन पूरे हो गए, उनके गुलामी के दिन पूरे हो गए, उनके सारी पाप हुए माफ, गाड़िया भर जाए बन जाए पहाड़, गाड़िया भर जाए बन जाए पहाड़ मैदान, ऊंची नीची भूमि हर देश मत, तेज यहोवा का होगा प्रकाश, तेज यहोवा का होगा प्रकाश, देखेंगे सब प्राणी उसे मिलकर, सब पर उम्मीद रखे नया बल पाए, बढ़ते रहेंगे चलेंगे दौड़ेंगे, प्रभु पर उम्मीद रखे नया बल पाए, बढ़ते रहेंगे चलेंगे दौड़ेंगे, भरोसा हमारा है उसके बल पर, भरोसा हमारा है उसके बल पर, पंख फैला सा उड़ेंगे, हमें जवान तक जाते हैं, तरुण भी थक जाते हैं, बड़े पहलवान भी हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन प्रभु के लिए वेट करो, वेट, फेथ एंड पेशेंस, मसीह जीवन का दो इम्पोर्टेंट चीज है, विश्वास करने पड़ेगी और आपको धीरज भी रखनी पड़ेगी, धीरज, प्रभु के लिए उम्मीद रखकर भरोसा कर वेट करो, वेट करना, वो पंख फैलाकर उकाब सा उड़ेंगे, प्रभु पर उम्मीद रखो, नया बल पाओ, हालेलुया। यशायाह 40 में लिखा है, द वॉर इज ओवर, टेल माय पीपल द वॉर इज ओवर, 39 चैप्टर तक काफी सारे बातें हो रहा है, when it comes to the 48th chapter, the spirit of the Lord tell my people the war is over, yuddha mudindade, hallelujah, in janathe maatrungal thaatrungal, ini illa yuddham endru kanivai solgirar, सारे पाप क्षमा हो गया, धन्यवाद करो, क्रूस में मेरे पाप क्षमा हो गया, मेरे पाप क्षमा हो गया है, धन्यवाद करो प्रभा, मेरे पापों को क्षमा कर दिया, समुद्र के अंदर डाल दिया, पीठ पीछे डाल दिया, पूर्व से पश्चिम जितनी दूर उतनी दूर मेरे गुनाहों को दूर कर दिया, इसलिए मुझ पर कोई दोष नहीं है, मेरे में कोई गुनाह नहीं है, मैं प्रभु के लिए पवित्र है, धन्यवाद हम चक कर देखा आपको, हालेलुया, हमारे जीवन में चक कर देखा, हालेलुया, जीवन की हर एक मोड में, हालेलुया प्रभा, भला 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 परमेश्वर, हालेलुया, तेरी करुणा सदा की है, तू है भला, तू है सच्चा, 780 तेरी करुणा पानी रहती है, प्रेम तेरा
आराधना तेरी करती गए हम, तू गे चरवा बेड़े है हम, आराधना तेरी स्तुति गीत गाते हुए आए हम तेरे समो, स्तुति गीत आए हम तेरे समो, बनाया तू निरभी, बनाया तू निरभी, बनाया तू निरभी, बनाया तू निरभी, तू है राजा हम है प्रजा, राज तेरा परम प्रधान है तू, सारी पृथ्वी के ऊपर सब आराधना करते रहेंगे, परम प्रधान है तू, सारी पृथ्वी के ऊपर नया गीत गाएंगे, नया गीत गाएंगे हम, नया गीत गाएंगे हम, तू है भला तू है सच्चा, तेरी करुणा सदा की है, तू है भला सच्चा, तेरी करुणा सदा, आराधना करते रहेंगे छुटकारा मिलेगा, हालेलुया, भूत भाग जाएगा। आराधना करने के समय में कोई भूत नहीं रुक पाएगा, कोई भूत का ताकत नहीं रहेगा, आराधना करेंगे, हालेलुया, प्रभु की स्तुति करते रहेंगे, रबारा बारा दूरा खबारा बारा बारा, प्रभु के हुजूरी में आजादी है, हालेलुया, मुझे मालूम नहीं कैसे हो रहा है, मुझे मालूम नहीं, हालेलुया, डरने का नहीं, शैतान हरा हुआ है वो तो पहले से हरा हुआ, हालेलुया, रा बरा 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 बरा, प्रभु के और ध्यान लगाओ, हालेलुया, रा बरा 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 दूरा बरा 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 ओरा बरा 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 बरा, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, सब लोग आराधना अन्य भाषा में, सब लोग आराधना करते रहो, रोकना नहीं, रोकना नहीं, हालेलुया, ओ हालेलुया, 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 रा 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 லவரே உண்மை உள்ளவரே, என்றென்றும் உள்ளது உம் தயவு, நல்லவரே உண்மை உள்ளவரே, என்றென்றும் உள்ளது உம் தயவு, என்றென்றும் நிலைத்திருக்கும் உண்மையும் அன்பும், என்றென்றும் நிலைத்திருக்கும் உண்மையும் உமது அன்பும், தலைமுறை தலைமுறையாய், தலைமுறை தலைமுறையா, தலைமுறை தலைமுறையாய்,
तले राजा जनम नांगल सिंहासनम उन्नत मानवर भूमि मुळुवदिलुम पुदु पाडल पानवर भूमि मुळुवदिलुम पुदु पाडल पाडिडुवो பாடல் பாடிடுவோம் ஆமென் நல்லவரே தூ ஹே பலா धन्यवाद करना दूसरा कुछ नहीं करना प्रभु की ओर देखना प्रभु की ओर देखो प्रकाशित हो जाओगे जो भी उसको देखा उसके मुंह लज्जित नहीं हुआ उनके मुंह प्रकाशमान हो गया कभी लज्जित होने नहीं देंगे हालेलुया प्रभु को देखने वाले कितना भी परिस्थिति में क्यों ना हो वो प्रकाशमान होगा ओ हालेलुया प्रभु को पुकारने वाले जो भी प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा धन्यवाद करो धन्यवाद करो हालेलुया यहोवा निसी है यहोवा निसी जय का झंडा लहराने वाले हालेलुया बंधुओं को छुड़ाने वाला बंधुओं को छुड़ाने वाला मग रेखता के तरह खबा खबा ओ जंजीरों को तोड़ने वाला जंजीरों को तोड़ने वाला गुलामी पन से मिस्र देश से हमें निकल के आया तो रीगा गारो शिकेता आपके बड़ी भुजबल से भुजबल के लिए धन्यवाद आपका भुजबल के लिए धन्यवाद पराक्रमी हाथ के लिए धन्यवाद छुड़ाने वाला हाथ के लिए धन्यवाद हमें छुड़ाने वाला हाथ के लिए धन्यवाद ओ बरसिका तबारा शके पदागा ते खरा के सियाचिया देखे सखावा कबर खरावा पा जय पाता मसी में देता हमें पूरा फैलाता है हमसे जीवन की खुशबू नाम है तेरा यहोवा निसी तू हर दम हर जगह जय पाता है मसी में देता हमें पूरा विजय हमसे जीवन की खुशबू नाम है तेरा तू ही सब मिलके माई मेरी माना तुझ में है तू ही करेगा सब तू ही करेगा राज सब तू ही है मेरी माई माँ मेरी बड़ाई तुझ में है तू ही करेगा सब पूरा तू ही करेगा देता हमें तू पूर्ण चंगाई कोड़े काने से तेरे चंगे हुए मारा के जल को मीठा बनाता नाम है तेरा यहोवा रब्बा देता हमें तू पूर्ण चंगाई कोड़े काने से तेरे चंगे हुए मारा के जल को मीठा बनाता नाम है तेरा यहोवा रब्बा सब मिलके मेरी बड़ाई तुझ में तू ही
भी करेगा सब पूरा, जो भी करेगा राज सदा, तू ही है मेरी माई माँ, मेरी बड़ाई तुझ में है, तू ही करेगा सब पूरा, तू ही करेगा राज सदा, काफी है तू सदा मेरे लिए, जानता है मेरी जरूरत, करता तैयार सब मेरे लिए, नाम है तेरा यहोवा रे, काफी है तू सदा मेरे लिए, जानता है मेरी जरूरत, करता तैयार सब मेरे लिए, नाम है तेरा यहोवा रे, तू ही है मेरी माई माँ, मेरी बड़ा तुझ में है, तू ही करेगा सब पूरा, तू ही करेगा राज सदा, तू ही है मेरी महिमा, तू ही राज्य सदा करेगा। प्रभु का धन्यवाद करो, उसके राज्य आने वाला है। बाइबल कहता है धन्य है जो नम्र है, वही पृथ्वी के अधिकारी बनेंगे, हम उनको साथ राज्य करेंगे। अभी शैतान लग रहा है राज्य कर रहा है, लेकिन उसका राज्य खत्म हो रहा है। हालेलुया, हमारा राजा राज्य करने वाला है, उसके साथ हम भी राज्य करेंगे। न्याय रीति से न्याय चलेगा, राज्य चलेगा, अन्याय का सिंहासन चकनाचूर हो जाएगा। हालेलुया, दुष्ट चाहता है धर्मी को निगल ले, उसको नाश करें, वचन संहिता 37। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने दुष्टों के हाथों में धर्मी जन को नहीं जाने नहीं दिया। वो कहते शेर के मुंह से तूने मुझे बचाया, हालेलुया, अजगर को भी मैं लथाड़ देता हूँ, शेर के ऊपर जवान सिंह के ऊपर भी मैं चलूंगा। परम प्रधान चाहे हुए स्थान में जो बैठा रहे, सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा यह भाग्य। सब मिलके उसके पंखों के नीचे शरण मिलेगी तुझे, जी पालेगा परों में, शरण मिलेगी तुझे, जी पालेगा परों में, उसके पंखों के नीचे शरण मिलेगी तुझे, जी पालेगा परों में, के पंखों के नीचे शरण मिलेगी तुझे, छिपालेगा परो शेर सांप अजगर को बिल्कुल कुचल देगा, तू बिल्कुल कुचल देगा, उसके नाम पर तूने भरोसा रखा है, इसलिए वह छुड़ाएगा, नाम पर तूने भरोसा रखा है, इसलिए वह छुड़ाएगा, उसके पंखों के नीचे शरण मिलेगी तुझे, छिपालेगा परों में, उसके पंखों के नीचे शरण मिलेगी तुझे, छिपालेगा परों में, पंखों के नीचे शरण मिलेगी पारों में।
पंखों के नीचे शरण मिलेगी, तुझे जी पालेगा परो। आमीन। इस शास्त्र 91 के अनुसार परमेश्वर के पंखों तले कलीसिया सुरक्षित रहेगा। मेरे बच्चों लोग, सब लोग, संकट में वो निकट है जो सहज से मिलने वाला सहायक है। प्रभु को धन्यवाद करो, स्तुति करो। हालेलुया। हर तूफान उसके पाँव के नीचे है। हालेलुया। इसलिए हमारा पाँव के नीचे भी है। हर आंधी को बंद करो यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु हमारे यल सर्वशक्ति, कुछ भी नहीं असंभव हर समय और हर जगह। प्रभु हमारे यल सदा सर्वशक्तिमान, कुछ भी नहीं असंभव। जीतेंगे हमेशा हम, स्तुति के गीत गाएंगे, आगे बढ़ेंगे, जीतेंगे हमेशा हम, खुद के गीत गाएंगे, देखा झंडा लहराए हरदम आगे बढ़ेंगे। शत्रु जो है सामने आ, देखोगे न फिर कभी उद्धार प्रभु का, देखोगे कड़े कड़े। शत्रु जो है सामने आज, देखोगे न फिर कभी उद्धार प्रभु का, देखोगे कड़े कड़े। युद्ध होवा करेगा, ताल समुंदर खोलेगा, तुमको बागर लाएगा। युद्ध होवा करेगा, लाल समुंदर खोलेगा, जो हमारे हथियार संसार के कड़ों को गिराने, प्रभु की ताकत है उनमें। जो हमारे हथियार वो नहीं संसार के, प्रभु की ताकत है उनमें। कड़ों को गिराएंगे, शत्रु को भगाएंगे, लोगों को छुड़ाएंगे, स्वर्ग राज्य भरेंगे। कड़ों को गिराएंगे, शत्रु को भगाएंगे, लोगों को छुड़ाएंगे, स्वर्ग राज्य भरेंगे। हर समय हर जगह, हर समय हर जगह जय देता है। इसलिए डरना नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं। कितने बार बाइबल बोलता, पुनरुत्थान पाए यीशु मसीह को देखा चले लोग, फिर भी उनके अंदर डर समा गया। यीशु जी ने बोला, डरो मत, मैं हूं, मैं हूं, डरना नहीं, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे सहायता करूंगा, मेरे दर मैदाने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। जो दुश्मन देख रहे हो उसको कभी नहीं देखोगे। हालेलुया। युद्ध होवा करेगा, लाल समंदर खोलेगा, तुमको बाहर लाएगा। ये हम प्रार्थना करेंगे। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। तो
कलीसिया को लिख रहे हैं, जो कलीसिया के सेवकगण विश्वासी लोग बहुत सारे संकट में क्लेश में गुजर रहे थे, उनको ये नहीं बोल रहा है थोड़ा बहुत आपका क्लेश है समस्या है इसलिए थोड़ा बहुत ढीला रहो तो भी प्रभु माफ कर देंगे, थोड़ा बहुत पाप करो तो भी चलेगा, इतना कष्ट उठा रहे हो यहाँ, थोड़ा थोड़ा प्रार्थना कम करोगे तो भी प्रभु समझ लेंगे आपको इतना कष्ट हो रहा है, ऐसा है कष्ट में हमसे बहुत कष्ट से गुजरने वाले कलीसिया है, उन लोगों को पकड़ पकड़ कर शेर के सामने डाल रहे थे, जिंदा जलाए जा रहे थे, पतरस को तो उल्टा लटका कर क्रूस पर मारा भी गया, ऐसे काफी बड़ी समस्या के बीच में जाने वालों को बता रहे सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, तुरंत होने वाला है। हम लोग वचन सुना और तो राजा राम पाखरी संदेश में मसीह के आगमन बहुत जल्दी होगा, क्योंकि कुछ चीजें हैं तो उसने कहा कि जो प्रॉफेसी है भविष्यवाणी है यीशु मसीह ने जो कहा था एक एक चिन्ह है, उस चिन्ह को ज्यादा तीव्रता से होते हुए अभी हम देख रहे हैं, जैसे धरती कम की बात की इधर उधर कहीं ना कहीं होता था, अभी काफी बड़ी फ्रीक्वेंसी में इंटेंसिटी में काफी ज्यादा में होता हो रहा है, वैसे महामारी की बातें के उधर हो रहा लेकिन पूरे विश्व भर में हो गया, युद्ध की बातें के लेकिन अभी हर जगह में युद्ध का कुछ समाधान दिख नहीं रहा, तो ऐसे काफी सारे चिन्ह पूरा हो रहा है। दूसरा चीज यीशु ने कहा लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, और बाइबल में लिखा है नूह के समय में जो हुआ है वैसे ही होगा, नूह के समय के बारे में उत्पत्ति में लिखा है नूह के समय में पूरा पृथ्वी अंधेर से भर गया, अंधेर से समझ में आ गया अंधेर क्या है, अंधेरा नहीं अंधेरा था आज अंधेरा अंधेरा भी है अंधेरा भी है, अंधेर से भर गया मतलब वायलेंस, ऐसे लोगों को लूटपाट करना चोरी करना लोगों को भ्रष्टाचार करना अत्याचार करना साइबर क्राइम रेप मर्डर कभी भी ऐसा हुआ नहीं है। अभी राजकोट में मैं पढ़ रहा था कंपनी का मालिक एक लेडी ने क्या किया, उसका नीचे का नौकर पहले का स्टाफ अपने पगार मांगा तो पकड़ के क्या किया अपने जूता को चाटने के लिए बोल दिया, इतने क्रोध विधि से जनता का दिल माँ बाप का भी भरोसा नहीं भाई बहन का भी भरोसा नहीं, लोग के जमाने में अंधेर वायलेंस और लूट के समय में होमोसेक्सुअलिटी लेस्बियनिज्म वो भी शैतान फेंक रहा है अपने मुंह से दुनिया भर के सब जगह शैतान अपने काम काज को करते रहते हैं, कोर्ट में तो मना किया था लेकिन बाद में रिव्यू के लिए वापस डाल रहे हो लोग, ऐसे ऐसे दुनिया में वो भी फ्री हो गया और भी कोर्ट भी दे देगा अरे जाने के लोग मांग रहे हैं जाने के, इलेक्शन भी आ रहा है लोग सोच रहे जाने दो क्या है हमको क्या है, हर चीज
और कलीसिया में भी गलत उपदेश का सीमा नहीं है। अभी हमको ऐसे मीटिंग चलाना है, प्रचारक को ढूंढना है, बहुत मुश्किल पड़ता है, ऐसे प्रचारक हमें मिलते नहीं है। अभी प्रचार लोग मिलेंगे, अपना मन को दिखाने वाले गलत उपदेश वाला मिलेंगे, नहीं तो सही उपदेश भी होगा, गलत तरीके से, गलत मकसद से होगा। ऐसी जमाना को कभी हम देख रहे हैं, 20-25 साल के बाद हम अपने अनुभव में हम देख रहा हूँ, विश्वासी लोगों में भी ईमानदारी लोगों को देखना कम होता है, सेवक लोगों के बीच में भी ईमानदारी को देखना कम होता है। आखिरी दिनों में मेरे भाई बहन ऐसी ऐसी परिस्थिति को देख करके दिल बिगड़ जाता है। प्रभु जी ऐसे जाते रहेंगे, प्रभु यीशु ने कहा अगर वो दिन काटा नहीं जाएगा कोई भी ठीक नहीं पाएगा। ऐसी कठिन परिस्थिति आ रहा है, दबाव आ रहा है आपके चारों तरफ में, ऐसे ऐसे सब लोग कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं क्या? ऐसे सेवक के मन में, विश्वासी के मन में परीक्षा आ रहा है, हर तरह का अंत तुरंत होने वाला है। यही वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, तुरंत। तुरंत का मीनिंग क्या है? तुरंत का क्या जल्दी तो एक दिन दो दिन और घंटा, अभी तुरंत मतलब अभी। कुछ लोग प्रचार करेंगे यीशु जी आने के लिए, ये चिन्ह ये बुरा नहीं हो, ये होना बाकी है, ये होना बाकी है, होने के बाद ऐसा कुछ नहीं। बार बार बोलता हूँ डोंट रिलेट, उसको किसी के साथ जोड़ो मत। अरे ये होगा तभी आएगा, जागृति आएगा तभी आएगा। सब जगह में सुसमाचार फैलाना चाहिए, फैल गया ऑलरेडी, पता यूट्यूब के द्वारा सब जगह में फैल गया, सबके पास मोबाइल से गाँव वाला को भी मिल जाता, कोई बहाना नहीं बोल सकते। जागृति आएगा जरूर, लेकिन मैं बोलूंगा जागृति उन्हीं के लिए आएगा जो उसके लिए बाट जोत रहा है, समझ रहे? जागृति के लिए खुले मन से है, अपना विचार को बदलने के लिए तैयार है, खुले दिल से है, प्रभु की आवाज़ सुनने के लिए तैयार है, प्रभु की बातों को मानने के लिए तैयार है, प्रार्थना करने के लिए तैयार है, उन्हीं को जागृति आएगा। प्रार्थना में जागृत रहो, जागृति आएगा। सचेत रहो हर समय, हर बातों की अंत तुरंत होने वाला, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना करने में सचेत रहो, प्रार्थना में जागृत रहो। प्रार्थना का हरावट है हर जगह में, हरावट मेरे जीवन में भी मैंने महसूस किया, मैंने भी देखा मेरे जीवन में भी। जब भी सेवकाई है, ये काम है वो काम है, काम काज तो रहेगा, काम के पीछे पड़कर प्रार्थना जहाँ पर भी कभी भी ढीला हुआ मेरे जीवन में, मार्क आया, गिरावट आया, प्रॉब्लम आया, परेशानी आया, शैतान मौका पाया, शैतान गिराया। तो पतरस भी पारसी का मारे विशुद्ध पानी दिए थे, आत्मा तो तैयार है, शरीर तो दुर्बल है, इसलिए जागते रहो, प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में तो ना पड़ो। लेकिन उसने इस बातों को सीरियस नहीं लिया, इसलिए गिरावट हो गई। इसलिए अपने अनुभव से लिख रहे हैं, मैं भी अपने अनुभव से बता रहा हूँ। आप कितने भी काम करो, कितने भी सेवा करो, कितने भी प्रभु के लिए भी करो, अपना व्यक्तिगत प्रार्थना को चालू रखो, उसको महत्वपूर्ण समझो। वहाँ पर गिरावट है, सब जगह में गिरावट है। प्रार्थना दूसरे लोग आपके लिए करेंगे जरूर, लेकिन आप अपने लिए प्रार्थना करना, आत्मा में प्रार्थना करना। कैसे प्रार्थना करना? आत्मा में गाना गाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, दिन ब दिन आत्मा में। यहूदा की किताब में पढ़ सकते हो वचन, यहूदा का किताब 20 वचन, यहूदा का एक ही चैप्टर है, प्रकाशित वाक्य का पहला किताब, उसमें यहूदा लिख रहे हैं 20 वचन पढ़ना। पर ये प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, तुम
अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो देखो मैं अनुग्रह का विश्वास करता हूँ, मैं परमेश्वर का प्रेम का विश्वास करता हूँ, लेकिन आपके जीवन में परमेश्वर का प्रेम में बनाए रखना आपका जिम्मेदारी है। ये देखो कितने लोग इस मंडप के नीचे है, कौन लोग अपने रूम में सो रहे, वो लोग है ना। इस मंडप के नीचे अपने आप को बनाए रखने वाले क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के अनुग्रह के वचन के आदि में आए हैं। वैसे परमेश्वर का प्रेम अपने आप को बनाए रखने के लिए यहूदा लिख रहे हैं अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए रहेंगे परमेश्वर का प्रेम में हम अपने आप को संभालेंगे। प्रेम तो है, प्रेम मदद करेगा, प्रेम आपको उठाएगा। कितने भी बड़ा पाप में आप गिर गए होंगे, परमेश्वर का प्रेम आपको बार बार उठाते रहेगा, बार बार माफ करेगा, बार बार आपको खींचेगा, उस कीचड़ से खींच कर बाहर लेकर आएगा। लेकिन उस प्रेम में बनाए रखो, प्रार्थना करते रहेंगे। कैसे प्रार्थना करना है, आत्मा में, अन्य भाषा में, जितना भी शब्द आपका आता है अन्य भाषा में प्रार्थना करो। कितना घंटा करना है, जैसा आपको होता है करने का है। वॉकिंग जाते हो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए जाओ। देखो अभी भी एक पत्थर में दो बोलते हैं, एक पत्थर में दो फल, दो हम कभी ये करता हूँ, मैं बता रहा हूँ रोज में वाक तीन पत एक पत्थर में तीन आम मैं खाता हूँ, तीन बता रहा हूँ क्या सीक्रेट, बोलो बोलो कि नहीं, वाकिंग करता हूँ है ना, वो एक आम मिल। दूसरा क्या करता हूँ, हमारा बच्चा लोग पढ़ते हैं तमिल में हिंदी में, वो सुन लेता हूँ, वो अभी ऐसे ऐसे स्पीकर में डाल के पाल पाल में सुन लेता हूँ, आधा घंटा में तमिल और हिंदी सुन लेता। तीसरा अन्य भाषा में आधा घंटा में तीन आम खा लिया मैं, क्या क्या वॉकिंग वाला एक्सरसाइज भी हो गए और वचन को सुनने का भी फायदा हो। क्योंकि देखो अन्य भाषा के लिए आपके मन की काम नहीं, मन से वचन सुन सकते, आत्मा से अन्य भाषा में ये मुझे फ्रेश कर देगा, फ्रेश हो जाता। तो ये मेरा तरीका है, आपका तरीका जैसे भी हो, लेकिन आत्मा में प्रार्थना करना न भूले, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। पहले मेरे को मालूम नहीं था, मैं भी अन्य भाषा को इतना ध्यान नहीं देते थे, इसके वजह से मेरा और मेरा थोड़ा बहुत विचार में फर्क होते थे। लेकिन प्रभु मुझे सिखाए नहीं, तुम अपना दिमाग चलाओ मत, प्रार्थना अन्य भाषा में करेंगे, कभी कभी क्या मालूम पूरे विश्व के लिए भी कहीं न कहीं रहने वालों के लिए प्रार्थना करोगे आपको ही पता नहीं चलेगा, शैतान की घड़ों को ढा दोगे आपको मालूम नहीं पड़ेगा। ऐसे जबरदस्त प्रार्थना है आत्मा में, इस वचन को दूसरे भाषा में पढ़ोगे, तमिल में ऐसे लिखा है, आप प्रार्थना करोगे आत्मा में विश्वास में मजबूत बन जाओगे और प्रभु का प्रेम में अपने आप को शामिल कराओगे, प्रभु के प्रेम के इस इलाका में रहोगे। ज्यादा से ज्यादा आत्मा में प्रार्थना करता रहूं, परम पवित्र विश्वास में बढ़ते रहूं। क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दिन भर दिन आत्मा में प्रार्थना करता रहूं, परम पवित्र विश्वास में बढ़ते रहूं। गाएंगे ज्यादा से ज्यादा
आत्मा में प्रार्थना करंभवीत्र विश्वास में पढ़ते रहो ज्यादा से ज्यादा आत्मा में प्रार्थना करता रहो करंभवीत्र विश्वास में पढ़ते रहो। तो प्रभु का प्रेम बनाए रखने के लिए देखो प्रेम प्रेम का एक भाग है। पास्टर राजा राम ने फैमिली वालों के लिए मीटिंग चलाया, उसने क्वेश्चन पूछा, काफी क्वेश्चन कोई क्वेश्चन पूछ सकते क्या क्वेश्चन ये तो अटेंड किए थे बोले इसको पहला स्थान और पवित्र जीवन जी रहा हूं कि नहीं क्या है पवित्र ठीक है। वो और क्वेश्चन क्या बैठा था यही बात है वेरी इंपॉर्टेंट। आप सेवकाई में उधर समय देंगे इधर समय देंगे, बच्चों के साथ समय नहीं दोगे, परिवार के साथ समय नहीं दोगे, ये प्रेम नहीं है। मैं सेवा कर रहा हूं इधर भाग रहा, अरे अपनों का टाइम नहीं है जाओ। परमेश्वर की योजना है परिवार आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण। जब तक परिवार को सेवा नहीं करोगे दूसरे लोगों की सेवा तो नहीं करोगे। और दूसरी चीज है परिवार वाला में परिवार वाला आपको ईमानदारी से प्रेम करेंगे, परिवार वाला आपके साथ चापलूसी नहीं करेंगे, आप ऐसे नहीं मलतू नहीं उठाएंगे कुछ फायदा होने के लिए, परिवार वाला सच्ची बात बोलेंगे, भले थोड़ा विश्वास में कमजोर भी है वो लोग आपको भलाई चाहेंगे। दूसरे लोग बाहर में कुछ लोग अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे तो भी सच्चाई प्रेम हो। परिवार को समय दो। अभी हमारा महिमा ये जी मंडली में जितने भी लोग दूर में रहेंगे नजदीक में रहेंगे सभी का हमारा ये वेरी इंपॉर्टेंट सुन लो। आगे सेवकाई में सब लोगों को चांसेस रहेगा, जागृति आएगा, बहुत सारे लोग आएंगे सब कुछ काम करने के लिए, जरूर सीट्स खाली हो जाएगा, सीट्स काली रहेगा, तो सीट काली होगा तो भी आप बैठ नहीं पाएंगे, आपको बैठने नहीं देंगे, भले सीट काली हो काली होने दो, ये क्वालिफिकेशन जरूरी है। परिवार को कैसे तुम संभाल रहे हो, परिवार में आपकी गवाही क्या है, क्या है परिवार को कैसे संभाल रहे हो, परिवार में आपकी गवाही। मेरे बारे में इनको पूछना पड़ेगा, मेरी बेटी लोगों को पूछना, पापा क्या करते हैं, सुबह सुबह उठते पेपर पढ़ते रहते हैं क्या, मोबाइल देखते रहते हैं। तो गवाही पहले परिवार में होना चाहिए, परिवार को समय देना चाहिए, परिवार को प्रेम करने वाले परिवार को समय देगा, परमेश्वर को प्रेम करने वाले परमेश्वर को समय देगा, यही मैं बताना चाहूँ। यही प्रार्थना क्या होते परमेश्वर के लिए समय आप अलग कर रहे हो, आत्मा में प्रार्थना कर रहे हो, अलग करते हो समय दे रहे हो, प्रभु जी आपके समुद्र में आया हूँ आज सुबह मुझे सिखाइए, मुझे बताइए मुझे क्या करना है, मुझे सही रास्ता में ले जाइए, मुझे मालूम नहीं है ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रहा है समस्या आ रहा है। प्रार्थना में सुबह सुबह आप इंस्ट्रक्शन प्रभु से अगुवाई पाना, प्रभु से आपको उत्साहित पाना उत्साहित होना, प्रभु के वचन से परमेश्वर आपसे बात करेंगे, नया नया वचन नया नया प्रभु देंगे,
आज दो वचन मिला ना, एक पत्रस 4:7 में बात किया मैंने, यहूदा 20 से, और भी थोड़ा वचन बोलूंगा युद्धकांड जाने के आने के बाद मुझे और भी मैं थोड़ा गाड़ी का थोड़ा स्लो चला था, क्योंकि युद्धकांड के बाद काफ़ी लोगों से इंटरव्यू किया था, मुझे पता चला इतना स्लो जाने के बाद भी कुछ लोगों के मन में कुछ भी गुस्सा, इतना स्पून फीडिंग कर रहे हैं फिर भी सीखने के लिए कोशिश करो, वचन को ज्यादा से ज्यादा गहराई में जाने दो, जीवन में अनुभव में बदलने दो। प्रभु बात करेंगे, सबका अंत तुरंत होने वाला है, संयमी होकर, संयमी मीनिंग क्या है, संयमी सन्यासी होते हैं ना, सन्यासी, सन्यासी का मीनिंग है, पास्टर जी हम सबको सन्यासी बना देते हैं, सब कुछ छोड़ दे, सन्यासी सब कुछ छोड़ दे, संयमी, सन्यासी का मतलब है संयम से रहता है, हर चीज को छोड़ने के लिए वो संयम करता है, उसका मन चाहता है, शरीर चाहता है, वो छोड़ने वाले सही सन्यासी, लेकिन काफी झूठा ही मिलेगा आपको, कोई सन्यासी लोग मैं देखा हूँ सिगरेट पीता है, दारू पीता है, वो गांजा भी करता है, सेक्स भी करता है, सब गलत काम भी करता है, लेकिन हमारे में अपना प्रेरित पौलुस वो एक सन्यासी था, हमारे में देखा जाए ब्रह्मचर्य शादी नहीं किया, तो सही ढंग से जो संयम है, संयम की आत्मा वो हमको चाहिए, संयम एक डिसिप्लिन लाइफ, इंग्लिश में लिखा है पढ़ोगे तो पता चले, क्लियर माइंडर, साउंड माइंडर, सोबर माइंडर, सोबर सोबर समझ रहे ना, सोबर माइंड एकदम एक केंद्र, एक ही जगह, इधर उधर भटकने वाला कुत्ता जैसे नहीं, इधर उधर इधर भागेगा, मन एकदम मन सचेत रहेगा, क्लैरिटी रहेगा, मुझे करना क्या है, अंत होने वाले हैं, अभी क्या पढ़ना चाहिए, जैसे कल एग्जाम है आपके अंदर एक प्लान होना चाहिए, भाई ये सब पढ़ने का टाइम नहीं है, मुझे ये इम्पोर्टेंट चीज़ है इसको पढ़ना है, हाँ अभी गाड़ी पकड़ना है, 12 बजे गाड़ी है, अब 11:30 को अब यहाँ पर हो, क्या करोगे, जा करके BRTS के लिए वेट करोगे, भाई जल्दी गाड़ी छूट जाएगा भाई, वहाँ 1200 रुपया दे करके टिकट लिए हो, यहाँ 200 का सोचा कि नहीं ऑटो पकड़ के पहुँच जाओ, फोकस होना चाहिए, मुझे वो ट्रेन पकड़ना, मुझे प्लेन पकड़ना, आगमन में दिखाई देना, प्रभु आने वाले हैं, और सुबह देखो मैं सुबह उठा था उतार लिया गाना आ गया, याद नहीं मेरे को, मेरा फोन में रखा था, तमिल में लिखा था, पत्थर वर्ग रहा है प्रभु जल्दी, वो गाना आ गया, गाना आने के 2 मिनट के बाद ही तूफान आ गया, इतना तूफान आ गया, सब उड़ा गया, अपना गाड़ी का कवर उड़ा के भागने वाले पकड़ लिया हमने, सब अपना उजी लेकर के बाहर रखे थे, सब अंदर किया है, तो सारा पत्ता इतना गिर गया, देखो प्रभु के आगमन तो बहुत ही जल्दी है, समझ लो ऐसे चिन्ह होगा, प्रभु ने बोला ना वेदर वेदर से दंड देंगे, वेदर अनयूजुअल वेदर, आकाश की चिन्ह है सब, जो अनहोना ऐसी चीज होता है, विंटर में बारिश नहीं आना चाहिए, और उस समय में बारिश नहीं आना, लेकिन आता है तूफान के समय, तो हर बातों को अंत तुरंत होने वाला हूं, इसलिए संयम होकर, संयम मतलब सन्यासी बन करके परिवार वाले छोड़ के भाव, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, नौकरी छोड़ के आ जाओ सेवा में, ये नहीं बोल रहा हूँ, प्रभु की बुलावट आ सकते हो, लेकिन संयम अपना जीवन को एक डिसिप्लिन, प्रार्थना में डिसिप्लिन, अनुशासन, कंट्रोल, बोलने में कंट्रोल,
मेरा बहुत बहन के घर में कुछ लोग गए बेबू चलाने के लिए, उनके रिश्तेदार को आए कुछ लोग गए वो रिश्तेदार को पूछने लगे आप क्या इसको देखने के लिए काम वाली है क्या कौन पता नहीं मेरे को जाके पूछ रहे हैं रिश्तेदार को गुस्सा आएगा कि नहीं गुस्सा हो गया वो चले यही होता है मालूम नहीं कंट्रोल नहीं है जीप में कोई जिप नहीं कोई कंट्रोल नहीं जो मन में हो बोल देंगे रुकने में कंट्रोल सुनने में कंट्रोल बोलने में कंट्रोल करने में कंट्रोल यही संयमी का आत्मा मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ लेकिन मैं बोलूंगा कभी भी सही बात भी है यीशु जी बोलते थे मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ अभी आप लोग उसको अजम नहीं करोगे बाद में पवित्र आत्मा आपके बारे में बोलने के लिए बहुत है मेरे पास लेकिन अभी मैं किसी को न्याय नहीं करता हूँ मैं न्याय करने के लिए नहीं आया बचाने के लिए आया हूँ बाद में होगी कुछ बात है अभी नहीं बाद में होगी इसलिए सोच समझ के करना है एक क्लियर माइंड रहेगा अपना डायरेक्शन सही रहेगा नहीं तो गाड़ी चलाने वाला ऐसे ऐसे चलाएगा तो कैसा रहेगा हाँ इधर भागे सही निशानी का और पड़ोस बोलता है हम हवा में मुक्का नहीं मारते हैं निशानी का और दौड़ा चला जाता हूँ जो उसने मुझे ऊपर बुलाया उस इनाम को पाने के लिए निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूँ इधर उधर हवा में मुक्का नहीं मारता हूँ नॉट बीटिंग द एयर अबाउ द बुश बुश को काटना है कंची लेकर के ऐसे ऊपर मारे तो अभी बाल काटने के लिए गया ऐसे ऐसे बढ़ गए पर मॉडर्न स्टाइल है ऐसे ऐसे करते रहेगा बार बार बाल काट रहा है काट रहा है यार काट मॉडर्न स्टाइल है ये बाल कट रहा है और नीचे आएगा सिर में काटे जाए ऐसे ऐसे मिशन से काटेंगे कैंसिल से ऐसा हवा में मुक्का नहीं मारना देखो कभी कभी शैतान को मारने के बजाय हम लोगों को मार देते शैतान को छोड़ देते लोगों को घायल कर देते क्लैरिटी नहीं आइडिया नहीं हम क्या कर रहे हैं आपके बारे में आपको परमेश्वर की आत्मा से पूछना प्रभु मेरे जीवन में आप मुझे समझाइए मुझे क्या कमी है मुझे क्या करनी है मानो वचन बोले बच्चों को जो अपने गलतियों को माने और क्या करे छोड़ दे उसके ऊपर जाया वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ये वचन मेरे को जिंदगी का आखिरी तक जरूरी है गलती मेरा भी होगी आपका भी होगी करना क्या बेटा बोलो छोड़ना मानना है छोड़ना तो गिलापन है जरूर मान लो तेरे बिना मेरे से कुछ भी नहीं होगा प्रभु मुझे कंट्रोल करना है मेरे जीवन वेरी प्रेशियस है हम एक परदेशी जैसे है अभी परदेशी का जमाने में एकदम कंट्रोल रहो परदेशी है दूसरे जगह पर हम गए हैं एक दो दिन के लिए है ना कुछ लोग आएंगे इधर इधर आकर के थोड़ा दिन इधर लोगों से मुलाकात करेंगे समझना चाहिए वही आके नहीं थोड़ा दिन के लिए आए हैं किस ढंग से बोलना चाहिए किस ढंग से व्यवहार करना चाहिए ऐसे ऐसी कुछ बोलती चाहिए तो रहने वाला का मन आएगा तो वैसे ही दुनिया में हम रहते थोड़ा समय के लिए रहते थोड़ा समय के लिए रहते बाइबल कहता इधर ही पत्रस लिखता है पहला पत्र 2:11 दो तीन वचन ही मैं बताऊंगा लेकिन आपके मन में अच्छी तरह बैठाना चाहता हूँ हम संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहना इसके लिए मैं बता रहा हूँ ए प्रियो मैं तुमसे विनती करता हूँ तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर विनती करते हैं देखो मैं अभी विनती करता हूँ
प्रेम से विनती करते भाई, ये जान लो परदेशी और यात्री, बोले मैं एक परदेशी और यात्री हो, क्या है परदेशी और यात्री। हम लोग 10th में पढ़ते थे, 11th में पढ़ते थे, हमारा टीचर बोलते डाय रेल स्नेगम डा रेल स्नेगम नाथम, ट्रेन का दोस्त है, स्टेशन में चढ़ गया, बोलेंगे चलो बाद में लेटर लिखिएगा, उस जमाने लेटर होते थे, कोई लेटर तो नहीं आएगा, कुछ नहीं सब झूठ मत, अगला स्टेशन उतर के बाय बाय चले गए। वैसी लगन आ गए थे तमिलनाडु में, एजुकेशन में जोर लगाते, अरे इंजीनियरिंग मिलना चाहिए, मेडिकल मिलना चाहिए, लड़का के एक मार्क कम हो गया भाई, मेडिकल नहीं मिलेगा, और पूरा परिवार ऐसे ही गड्ढे में गिर के पड़े हैं। ऐसा मत हो जाओ, पढ़ाई भी चाहिए लेकिन आदमी जीवन के लिए ऐसे टाइट रहो, टाइट रहना है। परदेशी और यात्री है, हमारा स्टेशन जल्दी आने वाला है, स्वर्ग का स्टेशन आने का तैयारी में है। यीशु के आने का समय हुआ, वो तैयार होकर दिया, यीशु के आने का समय हुआ, जाग जाओ तैयार हो, आसमान देखो जल्द आ रहा, जाग जाओ तैयार हो, आसमान देखो जल्द आ रहा, ओ तैयार हो परिचिया। शुभ आने का स्टेशन आने का समय हुआ, बोलते ना ट्रेन में, बोलते शराबी में, बोलते अभी आने वाला है, बोले भी स्टेशन आने वाला है, सब लोग अपना अपना बैग लेकर के सोचे रहे थे, तो पूरा वहाँ आगे चले जाए ना, तो बोरी मतलब फाइनल स्टेशन आ गया, फिर भी सोचे रहे, सीधा वहाँ पर वो क्लीनिंग यार्ड है ना, वहाँ क्लीन करने वाला आके उनको जगाना है, तैयार हो सचेत रहो, जागृत रहो। देखो आत्मिक जीवन में वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, आप अपना आप जागृत करने के लिए, दूसरे लोगों की जागृति के लिए वेट मत करो, नया लोग है कुछ लोग है जरूरी है, लेकिन अपना आप को संयम, संयम देखो, संयम का इंग्लिश वर्ड क्या मालूम है, सेल्फ कंट्रोल, क्या है सेल्फ कंट्रोल। मुझे अपना सुबह उठना, मैं अलार्म रखता हूँ, वो अपना समय में उठ, इनको मैं नहीं कंट्रोल नहीं करता, बच्चों को भी मैं कंट्रोल, छोटा बच्चा था तभी मैं करता था, लेकिन अभी बड़े हो गए, उनको सेल्फ कंट्रोल, मसीह जीवन, पवित्र आत्मा के द्वारा अपने शरीर की अभिलाषाओं को वश में करना, शारीरिक इच्छाओं को दबाना, शारीरिक इच्छाओं को आगे नहीं आने देना, परमेश्वर की इच्छा के लिए जीना, यही सेल्फ कंट्रोल है। सेल्फ कंट्रोल ऐसा नहीं इसको बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया, ये नहीं, शरीर को कोड़े मार दिया, ये नहीं, शरीर जो चाहता है उसको हमेशा न कहना, ना, शरीर जो चाहता है, बोले शरीर जो चाहता है उसको न कहना, वही संयमी का आत्मा है, शरीर चाहता है, शरीर चाहता है, एक प्लेट बिरयानी का या 200 रुपया लेकर के, शरीर चाहते हैं और एक प्लेट का, आप लोग का बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग की बात कर रहा हूँ, दूसरे जगह में कुछ हमारे लोग इतने खाते नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, वैसे एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, शरीर चाहता है, शरीर बहुत कुछ चाहता है, क्योंकि शरीर का अभी तक उद्धार हुआ नहीं है, समझ लो, शरीर आपके
बाहर ही नहीं है लेकिन शरीर आपको, शरीर को आप प्रेम करते हो लेकिन शरीर को अपना मालिक मत बनाना। समझ में आ गए? शरीर को प्रेम, शरीर को बोले शरीर को प्रेम करना है लेकिन मेरा शरीर मेरा मालिक नहीं बनना। शरीर मालिक बन जाता है कुछ लोग, यही बता रहे आप। इस जानकर क्या करो, आगे बढ़ो उस सांसारिक अभिलाषों से। उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। युद्ध करती है शारीरिक अभिलाष आपकी आत्मा से युद्ध करती है। क्या युद्ध मालूम है? आत्मा शरीर को नीचे रखने के लिए कोशिश कर रहा है। शरीर क्या कर रहा है? आत्मा को नीचे रखना है ना। अभी ये दोनों को एग्जाम्पल देती है, नीचे सामने आना, एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन। நீ வந்து அவளை கல்லடிக்கல, நீ வந்து அவளை முன்னாடி வந்து அடி பண்ற கூட இருக்கோ. சப்போஸ் கரு ஏ ஆத்மா ஹை ஏ ஷரீர் ஹை நா, ஆத்மா கோன் சா படா ஹை? ஆத்மா ஏ ஷரீர். அபி ஆத்மா கியா கர்னா சாஹியே, உஸ்கோ தபாவ நீச்ச. நீ அவளை தள்ளிக்கல, நீ நீ அவளை தள்ளி, அவளை தள்ளி, உஸ்கோ தபாவ நீ, शरीर आत्मा को, आत्मा शरीर है इसमें कौन नीचे होना चाहिए? शरीर है, इसलिए बोल रहे हैं शरीर सांसारिक अभिलाषों से आत्मा से युद्ध करती है। बच्चे रहो, बच्चे रहो मतलब उसको चढ़ने मत दो। शरीर को खाना खिलाओ, शरीर को आराम आराम दिलाओ, शरीर को जो उचित चीज उसको दो, शरीर के लिए उचित रेस्ट दो। ऐसा नहीं बोलो 11 बजे मैं सेवकाई कर रहा हूँ, 2 घंटा प्रार्थना कर रहा हूँ। डोंट डू दैट। रात में ऐसे कुछ लोग पकड़ा गए, पैसे से कर रहे करके, और हमको रिपोर्ट आया। आजकल रिपोर्ट आते हैं हमारे पास, कभी कभी माँ बाप बच्चे लोग के बारे में रिपोर्ट देते थे, अभी दुनिया में उल्टा हो गया, बच्चे लोग रिपोर्ट दे रहे हैं। ऐसे भी जमाना इतने खराब हो रहे हैं माँ बाप के बारे में, ध्यान से रहो, जमाना खराब, कोई भी मत सोचो मैं पाप में नहीं गिरूंगा। शारीरिक अभिलाष देखो धीरे धीरे जगह पाएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, थोड़ा से देख लो कुछ नहीं होगी, थोड़ा से पी लो कुछ नहीं होगी, थोड़ा से खा लो कुछ नहीं होगी, थोड़ा से जाओ सांसारिक अभिलाष शारीरिक अभिलाष, धीरे 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 युद्ध करेगा, बाद में दवाई देगा। तो आत्मा हमेशा शरीर को नीचे रखना चाहिए। कभी आत्मा का भी अच्छा है, शरीर का भी अच्छा है, आपका भी अच्छा है, मन का भी अच्छा है, सबका अच्छा है। आत्मा के आधीनता में शरीर आएगा, मन के लिए, जीवन के लिए, जीवन भर के लिए, सबके लिए, आपके लिए, दूसरे के लिए, सेवकाई के लिए, सबके लिए अच्छा है, सबके लिए लागू है। मुझे भी एक शरीर है, मेरा शरीर भी पाप कर सकता है, उस शरीर भी अभिलाषा करता है, मेरा शरीर भी गलत चीज मांगता है, मानता है कि नहीं? बड़ा से बड़ा सेवक से भी व्यक्तिगत जाके पूछो, पास्टर जी आपका शरीर भी गलत चीज मानता है क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरा शरीर तो मैं पूरा कंट्रोल में ले लिया, ऐसा कोई कमांड नहीं कर सकता। कंट्रोल में तो है जरूर, पवित्र आत्मा की सहायता से शारीरिक अभिलाषों से बच के रहो, 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 बहुत बच के रहो, ज्यादा ज्यादा से ज्यादा बच के रहो, ज्यादा से बच के रहो। कभी भी रिस्क की मत लो, रिस्क लेने वाला कभी ना कभी गिर जाता है, ठीक है? तो और खत्म कर देता हूँ अगला एक वचन बोल करके, वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, पहला पत्र
चार वन एंड टू वन एंड टू एक और दो इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। देखो बाइबल के वचन है ना बहुत ही डीप है, ये अब समझ रहे से एक स्टेटमेंट नहीं है, एक एक शब्द को ध्यान देना पड़ेगा, एक एक पार्ट को आपको डिवाइड करके एक एक पार्ट को सेपरेट करके समझने के लिए कोशिश करें। पत्रस अनपढ़ आदमी है, माने तो अनपढ़ पत्रस, लेकिन ऐसे बड़े आत्मिक रहस्य को बता रहे हैं। इस दो वचन को समझने के लिए मैं कोशिश कर रहा था, मैं प्रार्थना भी कर रहा था और कुछ कमेंट्री भी देख रहा था, परिवार में भी मैंने डिस्कस किया, मुझे कुछ बात पता चला, एक नया बात मुझे पता चला। लेकिन बाइबल में देखो हमेशा हम लोग भी नया चीज सीखते रहता है, तो मैं वही आपको सिखाता हूँ ये 10 मिनट के अंदर। यहाँ लिख रहे हैं मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, शरीर में होकर दुख, समझ लो परमेश्वर का पुत्र है लेकिन वो भी मनुष्य का पुत्र बनकर आया, शरीर में रहा, शरीर में 33.5 साल रहा, शरीर में रहते हुए उनको भी दुख उठाना पड़ा। एक तो दुख क्रूस पर उठाया, उसका भी उसको बात नहीं कर रहा हूँ, उनके जैसे क्रूस पर चढ़ जाओ कोड़े मरवा दो किला ठोकवा दो ये नहीं बोल रहा हूँ। जिंदगी पर्यंत उसके जीवन पर्यंत उसने एक दुख उठाया, यही दुख है शरीर जो चाहता है उसको वो नहीं दिया, उनका पिता जो चाहता है वो ही दिया, वो एक शरीर को दुख था। क्या है शरीर को, बोले शरीर जो चाहता है, जो अनुचित चीज है उसको मना करने से शरीर को दुखता है। क्या कर रहा है, तरस खा जाता हूँ मेरे शरीर, ले लो अनुचित तो है कोई बात नहीं, दुख उठाओ यही मनसा को हथियार के समान धारण करो। हथियार अभी सोचा ऐसा भी एक हथियार है, विषय में काफी हथियार है, विश्वास की डाल पकड़ो, धर्मिता की झिलम पहन लो, उद्धार का ठोप पहन लो, सच्चाई से कमर कसकर बांधो, सुसमाचार तैयार की जूता पहन लो, आत्मा की तलवार हाथ में ले लो, ये सब पौलुस ने सिखाया हथियार। पत्रस भी एक हथियार दे रहे, कौन सा हथियार मारे में, शरीर को दुखाना, ऐसे मन में तैयार रहो, मन से बोलो मन से सोचो मेरा शरीर तुम छुप रहोगे, मेरा शरीर तुम मेरे कंट्रोल में रहोगे, तुम जो चाहते मैं नहीं दूंगा, तुम चिल्लाने में भी तुम रोने से भी छोड़ने वाला नहीं, बैठ जाओ यीशु के नाम। कभी कभी कुछ लोगों को भूतों को भगाते ना, कुछ भूत क्या करे और नाटक पर ले जाए, छुप आ जाओ यीशु के नाम से, रोना नहीं, छुप कैसे निकल, उसको दया दिखाएंगे वापस अंदर में छुप जाए। वैसे शरीर में शरीर हमारा ही खुद के शरीर हमारे लिए सबसे बड़े पायरे बन सकते हैं, समझ रहे, हमारा ही खुद के शरीर हमारे लिए सबसे बड़े पायरे बने, अगर उसको सर पर चढ़ा के रखें, उसको आत्मा के ऊपर काबू करने के लिए अनुमति करेंगे। शरीर में होकर मसीह ने भी दुख उठाया, हम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, धारण करो। कौन सा हथियार सीख कर गया आज, कौन सा हथियार भाई समझा सकते कोई मेरे को, कौन सा हथियार सिस्टर जी बोले, कोई अंदर आए तो ताड़ी दौड़न, शरीर के दुख उंडाकनो அவருக்குரிய வாழ்க்கை நல்லபடியாக வாழறதுக்கு என் சரீரத்துக்கு கேட்டதெல்லாம் கொடுக்கக்கூடாது, சரீரத்தை பட்டினி போடணும், மாலுமே உஸ்கோ புகாரனேதோ இஸ்கே லிய கனம் காவியனே போடுறான்,
अनुचित चीज को न करने के लिए उसको भूखा रहना, अनुचित चीज को पीना नहीं, अनुचित चीज को देखना नहीं, अनुचित चीज को सुनना नहीं, अनुचित चीज को मेरा शरीर बोलना नहीं, अनुचित जगह में मेरा शरीर जाना नहीं। इसके लिए मेरा शरीर चिल्लाएगा, नाटक करेगा, रोएगा, फिर भी मेरा शरीर मेरे कब्जा में रहेगा। आत्मा के द्वारा शरीर की कामों को नीचे करूंगा, शरीर रोएगा, नाटक करेगा, दुखेगा, कोई बात नहीं, ये दुख मेरे लिए चाय का कारण बनेगा। ये दुख चाहिए, ये दुख आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, ये दुख तो होगी। अभी इस काम से आए लोग सोए पड़े, मैं तो बहुत सोया, उठने का मन ही नहीं करता, ऐसा होता है, टायर्डनेस तो सही बात, लेकिन अगर शैतान फायदा उठा लेगा, इतना तीन दिन उठता कि एक महीना इसी रोज 10 बजे तक सोते रहते, शरीर तो मांगे, ठीक है थोड़ा बहुत रेस्ट मेरे पास फ्रेश हो जाओ, अभी संडे मीटिंग करना शुरू उठ गया मेरे, तो शरीर जितना चाहिए उसे ज्यादा ही मांगेगा, अनुचित चीज मांगेगा, गलत जगह में मांगेगा, गलत समय में मांगेगा। अभी जवान लोग से फ्रीली में बात करता हूं, शारीरिक अभिलाषा आएगा, सेक्सुअल फीलिंग्स आएगा, शैतान बड़े बड़े शादी कब होने वाले हैं, अभी सामने मिल रहा है, ले लो, ले गए, लेकिन देखो वैसी चीज है ना, जब आप कंट्रोल में रखेंगे कंट्रोल में रहेगा, हम लोग भी रह चुके, जैसे नल है, नल बंद रखेगा बंद ही रहेगा, पानी आएगा थोड़ा बहुत खोलेंगे पानी, धीरे धीरे कंट्रोल चला जाता है। तो संयमी होकर बोलते हैं शरीर में दुख उठाया, अगला वचन देखो इसी में आगे पढ़ो, बहुत जबरदस्त है, क्योंकि क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। हालेलुया, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ये वचन को भी मैं सिखाता हूँ, शरीर में दुख उठाया, इस ढंग से दुख उठाया, ऐसा नहीं है एक्सीडेंट होके मैं हॉस्पिटल में पड़ा हूँ, है ना, नहीं तो मैं कहीं चोरी करके मारपीट करके हॉस्पिटल में भर्ती है, बोलेंगे मैं दुख उठा हूँ इसलिए पाप से छूट गया हूँ। कितने लोग दुख उठाते हैं माले में, शरीर में घायल होते हैं, मारपीट में, एक्सीडेंट में, बीमारी में, पाप से नहीं छूटते, इस ढंग से दुख उठाएंगे, इस ढंग से शरीर को ना 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 नो 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 नो, शरीर मेरा शरीर नो नो बिल्कुल नो, एकदम कंट्रोल में रखोगे पाप से छूट जाओगी, शरीर बोलेगा यह करो, आप क्या बोलना, नो, यही चीज करोगी तो शरीर को इस दम से दुख देगी। बाइबल के अनुसार यीशु मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, जिंदगी भर दुख उठाया, शैतान बोला भूख लग रहा, मैं समझ रहा हूं उसके सामने एक एक पत्थर रोटी जैसे दिख रहा होगा, शैतान ऐसे नाटक है, इल्यूशन शैतान दिखा सकते, इल्यूशन दिखा रहा है और पूरा विश्व भर का राज्य को दिखा रहा है, कैसे दिखाएगा भाई, ऐसे एक पहाड़ से पूरे विश्व कैसे दिखेगा, इल्यूशन दिखाएगा, ऐसे ऐसे राजा बन जाओगे, केवल एक ही बार परमेश्वर की परीक्षा करो, कूद करके देखो स्वर्ग दूत आके आपको ऑटो ऑटो उठा लेंगे, मुझे दंडवत करो सब दे दूंगा, देखो परीक्षा उसको भी हुआ, दुख उठाया, शरीर जो चाहता वो नहीं, मेरा पिता जो चाहता है वही मैं कर, यही शरीर में सही ढंग से दुख है, शरीर को कोड़े मारवाना नहीं, शरीर को भूखा रहने नहीं देना नहीं, ऐसा नहीं है, शरीर के लिए अनुचित चीजों को नहीं देना है, उसके लिए शरीर मांगेगा, दुखेगा, रोएगा, तो भी उसको ध्यान नहीं देना है, इस ढंग से शरीर के ऊपर ट्रेनिंग देते रहना पड़ेगा,
घोड़े पे चढ़ने वाला क्या करता है, घोड़े के लिए ट्रेनिंग, चढ़ा हुआ आदमी को घोड़ा समझ लेता है। आज मेरे ऊपर चढ़ा हुआ एक बेवकूफ चढ़ा है, इसको मैं समझ एकदम ऐसे करेगा आदमी नीचे। घोड़ा जैसे हमारा शरीर एक किताब भी लेकर अंडोमा, घोड़ा जैसे शरीर उसको आप कंट्रोल में रखोगे आपके लिए फायदा मंद रहेगा, वो अगर आपको कंट्रोल ले लेंगे पूरा नुकसान हो जाएगा। तो शरीर में होकर दुख उठाएंगे, जो शरीर में दुख उठाते हैं इस ढंग से दुख उठाते हैं, समझ में आ गया? पहला पत्र 4:1 समझ में आ गया? आपके जीवन में अनुभव में लाओगे, बपतिस्मा लेने वाले लोग समझ लो मेरा शरीर जो चाहता है ये नहीं, बच्चे लोग समझ लो, बपतिस्मा लेने वाले लिया हुआ लोग भी, मेरा शरीर मेरा नहीं है, परमेश्वर का मंदिर है, ये शरीर चाहता है, बड़े शरीर रोएगा चिल्लाएगा दुख उठाएगा कंप्लेन करेगा, चुपचाप उसको बैठा हो तभी पाप से छूट जाए। अगला वचन पढ़ना, उसके होगा ऐसा होगा तो क्या होगा? दूसरा वचन ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन, एक मिनट रुको, ये समझाता हूँ। भविष्य में मतलब बहुत दूर की भविष्य में नहीं, अभी से कितने भी शेष मतलब रिमाइनिंग बैलेंस, जितना बच्चा कुचा है बचा हुआ जीवन, शरीर रेस्ट ऑफ योर लाइफ, शारीरिक जीवन बिताने वाले हो, किसी को पता नहीं 10 दिन है, 10 साल है, 20 साल है, 25 साल है, लेकिन प्रभु के आगमन जल्दी है इसलिए 2-3 साल से ऊपर होगा ही नहीं। शेष शारीरिक जीवन को भविष्य में कैसे बिताना चाहिए? आगे मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। अभी तीसरी बात है, आपको मनुष्य को खुश करना नहीं। मनुष्य लोग चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं, उनको भी दुखाना पड़ता है, लेकिन वो लोग दुख होने दो, जैसा मैंने बोला शरीर दुख होने दो, शरीर की भलाई होगी, वैसे आपके रिश्तेदार को दुख होता है, आप ऐसे ऐसे कर रहे हो ऐसे ऐसे बोल रहे हो, वो लोग को दुख होगा, उनकी अभिलाष उनकी इच्छा उनके बोलने के अनुसार आप नहीं करोगे, वो लोग आपसे दूर भागेंगे, लेकिन ऐसा करोगे तभी आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर पाएंगे। परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए एक तो शारीरिक इच्छा को दबाना पड़ेगा, दूसरा लोगों की इच्छा को भी मना करना है, मना करो तभी आप जा करके परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर पाओगे। तो मेरे लिए आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट ट्रूथ है, रोमियो 8 में एक वचन पढ़ के प्रार्थना करेंगे, बोलते हैं शारीरिक अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए शरीर के लिए कर्जदार नहीं, शरीर के अनुसार दिन काटोगे क्या होगा? मरोगे। कर्जदार मतलब हम गुलाम नहीं है, शरीर मेरे नीचे नहीं है, ये उसके नीचे नहीं है, आत्मा के नीचे शरीर होना चाहिए, शरीर के लिए हम गुलाम नहीं है, शरीर की कर्जदार नहीं है, शरीर के अनुसार दिन काटे। आगे अगला वचन, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, शरीर के अनुसार दिन काट, अगर देखो शरीर मांग रहे तब देते रहोगे तो क्या होगा? तो मरोगे मृत्यु, अनंत जीवन का मृत्यु, अनंत से अनंत काल से प्रभु से अलग होना नरक का मृत्यु, मरोगे शरीर को आप बढ़ते रहोगे, शरीर को चढ़ाते रखोगे, शरीर को अनुचित चीजों को भी देते रहोगे, आखिर में प्रभु का प्रेम का उस इलाका में से धीरे धीरे शैतान बाहर लेके जाएगा। तो कहते मरोगे। आगे आत्मा, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो क्या होगा? जीवित रहोगे। जीवित रहना, जीना इस ढंग से जीना, आत्मा के द्वारा देह क्रियाओं को मारना, शरीर को मारना नहीं, ऐसा वो नहीं है, सन्यासी बोल करके लोग सन्यासी नहीं हो पा रहे हैं,
पवित्र आत्मा के द्वारा संयम की आत्मा है, पवित्र आत्मा का फल है, पवित्र आत्मा मदद करेगा, पवित्र आत्मा के द्वारा। इसलिए पढ़ते अगला वचन भी देखो, पवित्र आत्मा की बात कर रहे हैं, आपकी आत्मा पवित्र आत्मा के साथ मिलकर यह काम होती है। हालेलुया, अगला वचन, जो भी पवित्र आत्मा से अगुवाई की जाती है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। पुत्र, देखो परमेश्वर के आत्मा के अनुसार आपकी आत्मा चलेगा, आपकी आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारते रहोगे, जीवित रहोगे। और शारीरिक विचार मृत्यु, आत्मा के विचार जीवन और शांति। प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, शरीर जो चाहता वो नहीं, शरीर को कौन कुछ चाहता है, ये चाहता है, वो चाहता है, ऐसा होना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं आपके लिए भलाई चाहते हैं, आपके लिए पवित्र जीवन चाहते हैं, आपके लिए प्रेममय जीवन चाहते हैं, क्षमा करने के लिए चाहते हैं, चंगाई करने के लिए चाहते हैं, आपको क्षमा देने के लिए चाहते हैं, कड़वाहट को दूर रखने के लिए चाहते हैं, वो बदला लेना, वो विचार को दूर हटाने के लिए प्रभु आपसे चाहते हैं। आप पकड़ के रखोगे, ऐसे शारीरिक इच्छा आपकी आत्मा को दबा देगा, आत्मा के द्वारा शारीरिक क्रियाओं को मारोगे, जीवित रहोगे। देह के अनुसार दिन मत काटो, हालेलुया, मसीह ने भी देह में होकर दुख उठाया, हम भी उससे मनसा को हथियार बनकर धारण करें। एक हथियार है, एक प्रोटेक्शन है, आपके लिए सुरक्षा है, ऐसा हथियार पाप से गिरने से आपको बचाएगा। ओ मेरे शरीर को जो भी वो मांग रहा है अनुचित चीज में नहीं देता हूँ, ऐसा जो विचार रखने वाले हालेलुया उनका जीवन में। रोएगा,
उसको देना है, उससे फायदा होता होगा, पैसा भी मिलता होगा, बहुत आनंद भी मिलता होगा। लेकिन अगर आप उस आनंद को अनुचित गलत तरीके से गलत तरीके से गलत बातों से मिलने वाले आनंद को मना करोगे, यही शरीर में दुख उठाना, यही दुख उठाना चाहिए। हर एक विश्वासी को उठाना पड़ेगा, यीशु मसीह भी दुख उठाए, हम भी इस मनसा को धारण करें। स्वर्ग पिता में धन्यवाद, आज मेरे मन में मेरे भाई बहन मन इस वचन को अच्छी तरह पढ़ते हैं। हम शरीर में होकर दुख उठाना पड़ता है, हमारा शरीर अभी तक उद्धार पाया नहीं, हमारे शरीर में अभी भी पाप कटकटाता, अभी भी पापों की अभिलाष, वो शारीरिक अभिलाष, आंखों की अभिलाष, जीवन की घमंड हमारे जीवन में कटकटाते रहता है। लेकिन हमेशा आत्मा में मजबूत बनकर आत्मा के द्वारा देह क्रियाओं को मारते हुए हम जीवन बीताए, इस ढंग से विजयवंत जीवन बीतने के लिए, हालेलुया, पाप से छूट कर पवित्र रहने के लिए मुझे मेरे भाई बहन बच्चों को मदद की, इस वचन का आशीष किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके हाथों में देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सब देता हूँ। आमीन। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, उच्च यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का संग हम सबको सुखी करे।